बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। एनआरसी और सीएए के विरोध में आज राजधानी भोपाल के इकबाल मैदान में विरोध शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। शहर में धारा 144 लागू है, उसके बावजूद भी हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और एनआरसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। जुमे की नमाज के बाद 2 बजे से यह शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक प्रदर्शनकारी वापसी करते नजर आए। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। किस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है? प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा कितनी तादाद में? ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है एनआरसी के खिलाफ जी, और हम लोग शांतिपूर्वक एहतजाज करेंगे जी। कोई किसी किस्म का मतलब माहौल गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब के नाम से भोपाल शहर को जाना जाता है। यहाँ सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में मिलकर रहते हैं और मिलकर रहेंगे, और हमारे जो एनआरसी का मतलब शासन ने जो लगाया है उसको खत्म करने के लिए एहतजाज है शांतिपूर्ण। बढ़ते हैं भैया जी, जी। सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और क्या क्या हिदायत दी गई है पुलिस तरफ से? ये सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से लगाई गई है सभी जगह पे एहतियातन तौर पे, और सभी मुख्य बिंदु जो हैं शहर के जो भी संवेदनशील पॉइंट हैं सभी पे प्रॉपर सभी जगह पर्याप्त मात्रा में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, सभी जगह निगरानी रखी जा रही है और सीसीटीवी के माध्यम से ड्रोन के माध्यम से सभी जगह इसको रख रहे हैं। शांति का माहौल बनाने का पूरा यहाँ पर कोशिश है, और किसी तरह की कोई अगर कोई गड़बड़ी करने की संभावना यदि रहती है या कोई इस तरह का प्रयास करता है तो उससे निपटने की भी पूरी कोशिश है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है काफ़ी, स्कूलों की छुट्टियाँ ज़्यादातौर पर की गई है कि लोग समय से अपने की गाड़ियाँ हैं वो अपने लगाना चाहता है, और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।